अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज समर हसन। आई एम द फाउंडर ऑफ इपिफनी, और आज हमने फाइनली फाइनली आई हैव टेकन द प्लंज एंड लॉन्च्ड अ यूट्यूब चैनल व्हिच द फर्स्ट शो इज कॉल्ड इम्पैक्टिंग लाइव्स। इम्पैक्टिंग लाइव्स क्यों, ये नाम क्यों, ये पर्टिकुलर सीरीज करेगी क्या? तो आइडिया ये कि बहुत सारे यंग लोग स्पेशली और हम जैसे थोड़े से ओल्डर लोग भी वी कीप स्ट्रगलिंग कि कौन सा पाथ है, व्हाट आर वी सपोज टू डू इन लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर लाइफ। आखिर हम सब आते हैं इस दुनिया के अंदर तो हम क्या कहानी पीछे छोड़ के जाएंगे, किन किन जिंदगियों को हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो बॉटम लाइन है, ये थीम है इस पर्टिकुलर सीरीज की। और सबसे पहले जो आज अभी एक सेकेंड ठहरे, बल्कि मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आप लोगों से रूमी का एक वर्स है दैट आई वुड लाइक टू शेयर। विद लाइफ एज शॉर्ट एज अ हाफ टेकन ब्रेथ, डोंट प्लांट एनी थिंग बट लव। सो आई एम समबडी हु ग्रेटली एडमायर्स रूमी, एंड आई थिंक लिटरली अगर हम इफ वी प्लांट लव, एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप ग्रोइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो दैट्स द थीम बिहाइंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट अस नो कि कैसा लगा, क्या खराब था, क्या अच्छा हो सकता है। सजेस्ट अदर पीपल एज वेल, बट दैट्स यू नो वी कैन कैच अप लेटर एज वेल। अभी वेरी क्विकली व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं एक यंग जेंटलमैन है, उनको मैं इन्वाइट करूंगी कि वो ऑन स्क्रीन आएंगे अभी, जिनकी वजह से फाइनली आई टुक द एम्पेटस, राइट? सो काफी अरसे से मैं सोच रही थी, 1.5 साल से कॉन्वर्सेशन चल रही थी। शहाब एक बहुत अच्छी एक और फ्रेंड है हमारी, स्टार्टअप गाइड पी के रन करती है, उनसे भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बट इट डिड नॉट हैपन अंटिल दिस गाय, टडा, अर्जिश। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कि मैं वो ऑन द सिनेरियो, एंड अर्जिश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई एपिफनी कैन वी क्यूरेट द इंपैक्ट ट्रैक, एंड देन बात से बात निकली, एंड हमने सोचा कि ओके इस तरह की कोई एक स्टोरी, एक ऐसा सेशन होना चाहिए जिसके अंदर हम बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों को शामिल करें, एंड देन यू नो इम्पैक्टिंग लाइव्स वॉज बॉर्न। सो थैंक यू अर्जिश, ओवर टू यू, यू कैन इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। एब्सोल्युटली, सो थैंक यू सो मच समर, के पहले तो आप इतना अच्छा सेशन कर रही हैं और इतने ज़्यादा सेशंस कर रही हैं थ्रू आउट दिस मंथ एंड इवन मूविंग फॉरवर्ड। जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई रन इजाद लैब एंड स्टार्टअप इन पाकिस्तान एंड कपल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस ग्लोबल पाकिस्तान टेक समिट, जिसका मकसद ये है कि कोरोना से पहले हमने यूरोप में किया, जहाँ समर हमारे साथ थी, अमेरिका में किया, और अब हम टोरंटो में जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि सब कुछ रुक गया, सारे लोग घर बैठे थे, तो हमने कहा कि ये एक तो वर्चुअल होना चाहिए और ग्लोबल होना चाहिए, कि अब कोई लिमिट नहीं रही कि यार फिजिकली लोग एक शहर में होंगे तो कॉन्फ्रेंस होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इस कॉन्फ्रेंस में 150 से ज्यादा स्पीकर और कोई 70 से ज्यादा सेशन जो है लाइव है, तो आप सब उस पर साइन अप कर सकते हैं parktechsummit.com पे जाके। एक जो मकसद इस समिट का और हमारी सारी एक्टिविटीज का कलेक्टिवली भी रहता है, वो ये कि जिन पाकिस्तानियों ने दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट किया है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उनको हाईलाइट किया जाए, उनकी लाइफ जर्नी को लोगों के सामने लाया जाए एक अनकन्वेंशनल, एक बड़े कैजुअल से वे में। और ऐसे ही एक इंसान जो जो कि मेरी ज़िंदगी में भी मेरी इंस्पिरेशन है, हमारे लिए फैमिली की तरह हैं, वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जस्ट टू गिव यू दिस बैकग्राउंड, ही हैज़ डन मेनी वंडरफुल थिंग्स एंड इम्पैक्टेड lives of hundreds of thousands of people across the world, not just in Pakistan. He's the author of Power of Teams. Tick Tick Dollar was one of his best-selling book, award-winning success coach, best-selling author. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 250 से ज़्यादा professional coaches का एक network इन्होंने create किया है, और पिछले 20 साल में कैसर ने CEOs को, business leaders को, celebrities को, sports stars को, और बहुत सी major companies like Toyota, GE, Nestle, इनकी ट्रेनिंग की है, इनकी कोचिंग की है, इनको कई अवार्ड भी मिले हैं, क्योंकि इन्होंने यंग सी उम्र में इतना कुछ अचीव किया, एक बड़ी कमाल पर्सनल जर्नी की। तो जिस तरह के ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड लंदन में, ट्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर एशिया, बंच ऑफ अदर बिग अवार्ड्स, एंड ही हैज़ द प्लेजर एंड ऑनर ऑफ ट्रेनिंग सम ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, आई वुड से, और इन द वर्ल्ड, लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, US Embassy। और ना सिर्फ ये सारा काम, बल्कि इन्होंने पर्सनली अपने इदारे के अंदर बहुत से इनिशिएटिव्स भी क्रिएट किए, जिनका मकसद गिव बैक करना था, जिस तरह पॉसिबिलिटी स्कूल्स और माई फर्स्ट बाइक जो है, जिसके थ्रू बहुत से बच्चों को, बहुत से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को किताबें जाती हैं, उनकी एजुकेशन में सपोर्ट होती है, उनको उनकी पहली बाइक मिलती है। तो इसी के साथ मैं अब वर्चुअल स्टेज पर बुलाना चाहूँगा
मेरे पर्सनल मेंटोर, दोस्त और गुरु कैसर अब्बास थे। Assalamualaikum, Azish. Assalamualaikum, Professor. Thank you so much for this lovely introduction. मैं सोच रहा था अभी बस करेगा, अभी बस जी, मैं भी यही सोच रही थी। जितना आपने माशाल्लाह इंपैक्ट क्रिएट किया, मैं आपके मुंह पे मतलब पीछे भी कहते हैं, आपको तो शायद काफी ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और आई थिंक समर जो है एक बड़ी कमाल होस्ट हैं और मैं फैन हूँ इनकी होस्टिंग स्किल्स का। तो मुझे पता है कि आपकी लाइफ की जो सारी स्टोरीज हैं वो आज ऑडियंस के सामने ले आएंगी इस गपशप में। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि बस इस सेशन को शुरू किया जाए और आपसे हम भी मुफीद हों और हमारी जो सारी ऑडियंस है वो भी सीखे आपसे। तो इससे पहले कि आप जाए, आई लाइक टू स्टेट जो अर्जिश है, ही इज एन एग्जांपल फॉर मिलियंस ऑफ यूथ अराउंड द ग्लोब। अब से कुछ साल पहले वी एक्चुअली आर अ फैमिली एंड ही इज माई नेफ्यू, और जो भाई है उन्होंने मुझे कहा कि इसकी कंपनी है, इसके बोर्ड पे आ जाओ। तो मैंने सोचा कि इस पे एहसान करता हूँ, आ जाता हूँ बोर्ड पे। तो मुझे लगा कि मैं इसको फेवर कर रहा हूँ। फिर एक आध साल गुजरा, फिर इसके बोर्ड के ऊपर लिंक्डइन का CEO और बड़ी बड़ी जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जब वो बोर्ड पे है तो मुझे पता चला नहीं, मैं इसको फेवर नहीं कर रहा, अब ये मुझे फेवर कर रहा है। सो अजेश, एज अ फैमिली वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स स्पेसिफिकली मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू थिंग्स दैट यू माशाल्लाह डूइंग, और इंटरनेशनली आप पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहे हैं, दिस इज फिनोमिनल। So, heads off, congratulations. और मैं आपको ये भी बताऊँ, एक दिन में समर, I'm busy these days, हम करंट अपना बिजनेस भी मैनेज कर रहे हैं और अपना फ्यूचर भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई गेट टू रिसीव एट लीस्ट अ डजन रिक्वेस्ट एवरी डे कि ये आपके साथ लाइव करना है, एंड वो सारी रिक्वेस्ट में ना वो एक प्रोसेस के थ्रू स्क्रीन हो आती है एंड आई एक्सेप्ट 100 में से कोई एक। बट अर्जेश ने जब मुझे कहा, आई डिड नॉट हैव अ चॉइस टू नो, आई सेड यस एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली। अर्जेश ऐसे करते हैं, हम सब के साथ ऐसे ही करते हैं। अर्जेश कह देते हैं, अच्छा पूरा का पूरा ट्रैक आप संभाल लें, मैं फास्टेक समिट करने जा रहा हूँ, ठीक है, डेट अपनी मर्जी की चूज की है, मंथ अपनी मर्जी का है, बट ठीक है आपने करना है। एंड देन यू से ओके, यस वी हैव टू डू इट राइट, बिकॉज़ इफ अर्जेश इज सेइंग समथिंग, लेट्स गो अहेड एंड हेल्प हिम आउट राइट। सो ये एक बहुत ही पावरफुल बात है ऑल्सो फॉर यंग पीपल, कि आप अगर इनिशिएटिव लेते हो देन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू, बट यू नो ऑब्वियसली यू हैव टू नो किससे आपको हेल्प चाहिए और टर्म्स मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है। आई थिंक मे बी अर्जेश विल हैव यू बैक फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग इन अनदर सेशन, राइट, कि वो करते कैसे हैं, सही है, कि कोई ना नहीं कर सकता। तो थैंक यू अर्जेश, थैंक सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक कैसे जो है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग और बाकी भी चीजें उसमें मेरे से ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, और इनकी और आपकी मोहब्बत है कि आपने टाइम निकाला, कंट्रीब्यूट किया, और अच्छा है कि आगे चल के भी हम मिलके कुछ ना कुछ करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम समर, आई एम रियली गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर शो। एब्सोल्युटली, यू आर एक्चुअली द पायनियर ऑफ द शो, मतलब आप फर्स्ट गेस्ट हैं आज के शो में। इससे पहले हम सेशंस तो काफी सारे कर रहे हैं, बट यू नो अंडर, like I said, I was shying away from setting up a YouTube channel, and you know, I mean, I didn't really think why would people want to listen to me, and now I'm thinking, okay, koi baat nahi, maybe people want to listen to the people who I can invite on the show. So, aapki puri introduction वैसे तो उन्होंने करा दी है पूरा in terms of the professional journey, लेकिन I think हम जो चाह रहे हैं वो मालूम करना चाह रहे हैं कि okay, who is the man behind this whole journey, right? So, tell us about yourself, and आप जो हैं वो यहाँ तक पहुंचे कैसे, जो आपका पूरा सफर है वो हम जानना चाहेंगे। एक्सलेंट। सो मैं प्राइमरीली तीन काम करता हूँ, एक मैं कोच करता हूँ एग्जीक्यूटिव्स को, दीज आर ईदर सीईओस और वुड बी सीईओस। अपार्ट फ्रॉम इट मैं स्पोर्ट्स मीडिया जो सेलिब्रिटीज टाइप लोग हैं उनके साथ भी काम करता हूँ, एंड आई वर्क इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम अंडरस्टैंडिंग वेयर दे करंटली आर, वेयर डू दे रियली वांट टू बी इन लाइफ and how to get there. So, dusra kaam main karta hu, I run training programs on leadership and team building for large organizations specifically. Jahan pe leadership teams hoti hai, to main unke saath kaam karta hu. I've had, alhamdulillah, the privilege to work with this C-level executives to niche jo floor pe hote hai, jo
एक्चुअल काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, मैंने उनके साथ भी किया, आई हैड प्रिविलेज टू वर्क विद पाकिस्तान आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी, सो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला ने दी। और तीसरा काम जो मैं करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ और फिर किताबें लिखता हूँ। सो फार मेरी 6 किताबें पब्लिश हो गई जिनके 39 एडिशंस इस वक्त इन प्रिंट है। सो दिस व्हाट आई डू, और मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारी जिंदगी में नाकामी है जो मेरी लिटरली कामयाबियों से बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि ये जो शख्स सामने बैठा है बड़ा कामयाब है, बट किसी को दिखता नहीं है समर के इसके पीछे अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो मेरी फेलियर्स बहुत ज़्यादा है, और उसी के ऊपर बिल्ड करते 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 इवेंचुअली आई बीन एबल टू बी वेयर आई करंटली एम, बट फैक्ट ये कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में यहाँ पे पहुँच पाऊंगा। तो यही हम सुनना चाहेंगे कैसर आपसे कि क्या क्या फेलियर्स थे, क्या क्या गलतियां आपने की, कैसे उन गलतियों से आपने सीखा, कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको लगता है कि चलो ये अगर अवॉइड कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, कौन सी ऐसी गलतियां जो आप चाहेंगे कि हम के और जो यंग लोग हैं वो बेशक वो गलतियां करें, बिकॉज कुछ गलतियों से सीखना भी है उन्होंने, राइट? तो इफ यू कैन जस्ट यू नो टेल अस मोर। इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया। समर, जो पहली सजेशन है मेरी सुनने वालों से वो ये कि गलतियां करने से घबराना नहीं है। गलतियां करना जो है इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी जल्दी आप गलतियां कर लें उतनी जल्दी आप कामयाब हो जाते हो। समटाइम्स मेरी एक बहुत बड़ी गलती जिंदगी में ये थी कि मैं गलतियां करने से डरता था। सो अगर कोई एक गलती आप अपनी करेक्ट करनी चाहते हैं जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, सो वो ये गलती है कि गलती करने से डरना नहीं है बल्कि जल्दी करनी है गलतियां करने में। सो मुझे लगता है कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में आपको 100 गलतियां करनी पड़ेंगी, और 100 गलतियां करने में आप 20 साल लगाते हैं तो योर सक्सेस विल कम टू यू इन 20 ईयर्स, लेकिन अगर वही गलतियां आप एक साल में कर लें तो सक्सेस प्रॉबेबली विल कम टू यू मैनी मैनी ईयर्स क्विकर। सो गलतियां करने से डरना नहीं। मैंने जो बहुत सारी गलतियां की जिनको मैं उसको गलतियां समझता था, आज मुझे वो लिटरली ब्लेसिंग्स लगती हैं। सो यहाँ पे मैं एक पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करना चाहूँगा कि वो गलतियां जो उस वक्त आपके सर पे तलवार बन के लटकी होती हैं, कपल ऑफ ईयर्स डाउन द रोड व्हेन यू लुक बैक, सो यू थैंक गॉड के आपसे वो गलतियाँ सरजद हुई। अगर वो गलतियाँ नहीं होती तो परहैप्स जिंदगी में उन तमाम रस्तों से चलते चलते आप आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचे होते। सो मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे बोलना नहीं आता था मगर मैं बोलता था, मुझे लिखना नहीं आता था मगर मैं लिखता था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था मगर मैं लोगों से मिलने की कोशिश करता था, मैं इंट्रोवर्ट था मगर एक्सट्रोवर्ट बनने की गलती करता था। मैंने बहुत साल ये भी गलती की कि मैं जो नहीं था वो बनने की कोशिश करता था। सो मुझे एहसास हुआ कि आई थिंक मैं अभी कल ही कहीं पढ़ रहा था कि ओरिजिनल रहने का बहुत फायदा है, राइट? ऑथेंटिसिटी, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ जो कॉपी है वो हमेशा ओरिजिनल से सस्ती बिकती है, राइट? ओरिजिनल हमेशा महंगा होता है, कॉपी सस्ती होती है। तो मैंने सोचा कि मैं किसी और का सेकंड रेट वर्जन बनने से कहीं बेहतर है कि मैं अपने अंदर को पहचानूं। इट वाज नॉट इजी, टुक मी 24 इयर्स। आज बड़ा आसान है, रिटन बुक्स प्रोसेसेस बता दिए मैंने, कि मैंने कोई ईजाद नहीं किए थे समर, वो प्रोसेसेस मैंने भी सीखे थे अगेन गलतियां कर करके। तो अब मुझे कमोडिटी पता चल गया है कि क्या नहीं करना, और जो नहीं करनी चीज़ें उनमें से एक चीज़ ये है कि वो नहीं बनने की कोशिश करनी जो आप नहीं है, और बजाते खुद जो गलतियां हैं वो करने से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। सो ये एम्ब्रेस फेलियर्स। मैं आपको बताऊँ, मैं इंटरव्यूज के लिए लोगों को प्रिपेयर करने के लिए कभी बताता हूँ, टिप्स देता हूँ, तो मेरा अपना इंटरव्यू जो है ना वो 1 से 2 मिनट में फिनिश हो जाता था। तो जो अर्जिश हैं इसके फादर आज़िम मलिक साहब, वो मुझे तैयार करके भेजते थे, मुझे अपनी टाई लगाते थे, शर्ट किसी दोस्त की होती थी, और मैं बड़ा जाता था इस उम्मीद के साथ कि आज तो नौकरी मिली मिली, मगर समर मेरा इंटरव्यू 1-1.5 मिनट में फिनिश हो जाता था। और मैं गिरफ्त सोचता था कि इतना पसंद आ गया कि जल्दी से इन्होंने मेरा इंटरव्यू फिनिश कर दिया, मैं इतना इनोसेंट था। तो बाद में समझ आई कि वो 1-2 मिनट में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे के साथ मजीद वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। सो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट
वेरी वेल ग्रूम्ड, जो लोग जानते हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट, मैं मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी था पंजाब यूनिवर्सिटी से, एंड आई अप्लाइड फॉर मोर देन 300 जॉब्स एंड आई फेल्ड. नोबडी नोस बट आई फेल्ड. और इवेंचुअली मैं अवारी होटल में रिसेप्शनिस्ट तक की जॉब के लिए गया, फेल्ड. उनके अभी नागी होते थे ट्रेनिंग और एचआर के हेड, ही इंटरव्यूड मी फॉर अ ट्रेनिंग मैनेजर जॉब, आई ऑब्वियसली डिडंट क्वालिफाई. फिर मैं आ गया, मैंने इस बार रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया. मैं इतना होता ना, अपनी निगाहों में आप खुद ही गिर जाते हैं. मैंने कहा यार कुछ तो करना है, लाहौर में सर्वाइव कर रहा है. सो आई अप्लाइड फॉर द पोजीशन फॉर वेटर. किसने कहा वेटर्स भी यहाँ बड़े पैसे कमाते हैं. सो आई थॉट मेहनत में तो माँ बाप ने ही सिखाया था कि कोई बुराई नहीं है. सो आई थॉट मैं ये करके, आई वॉज नॉट इवन हायर्ड फॉर द पोजिशन ऑफ अ वेटर, बिकॉज जो वेटर के लिए भी समर एक बेसिक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसमें उस वक्त भी नहीं था. आप कितने इयर्स के थे उस वक्त कैसर, हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज, आई शुड बी लाइक 21 22. Right, so I can kind of just draw, want to draw an example, right? Because 21, 22 years or usse bhi young age mein, hum bahut hi tender bhi hote hain. Ki kisi ka criticism aa jaye, koi failure aa jaye, bahut hi dil pe le lete hain, right? So aapne kya kiya tha phir ke, you know, you were able to kind of overcome that? Nahin, maine bilkul overcome nahi kiya. Maine taka ke dil pe lagaya. Aur bahut saal maine usko dil pe lagaya rakha. My self esteem was so low. I could not face people. I could not even have private interactions on a one-to-one basis with individuals, just like this. And life was very hard on me. Mere interviews hote the aur main bhag jata tha. I've lived a very different life. From a position where I stand up in front of audiences every day, as big as 6,000 people from 70 different countries, international audience, दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स जो हैं ग्लोबल, वो आपके साथ स्टेज पे बैठे हुए. इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू फील. आपके लेफ्ट पे ब्रायन ट्रेसी बैठा है, सॉरी बैठे है. आप एक और स्टेज पे जाते हो, टोनी बुजैन मौजूद है. सो हाउ डू यू प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ दोस पीपल? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी आप कर रहे हैं, आपका दिल का जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी है वो बचाओ. ये कैसर अब्बास बहुत फर्क है उस कैसर अब्बास से जो वो पहले था. तो सक्सेस का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, लेट मी स्टेट ओवर हियर, कामयाबी का, आज मैं एक सेशन में किसी को बता रहा था, कामयाबी का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये नहीं कि आपको मिलता क्या है कामयाब होने के बाद. समर कामयाबी का सबसे बड़ा फायदा है कि कामयाब होने के बाद आप बन क्या जाते हो. इट इज नॉट व्हाट यू गेट, इट इज व्हाट यू बिकम. इट इज नॉट व्हाट यू गेट इन टर्म्स ऑफ रनिंग योर YouTube चैनल, इट इज व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग दिस 100 episodes. What will you? Absolutely. This summer will be a totally different person, interacting with 100 different people, developing questions, the content, preparing yourself, overcoming your fears. और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये तो किया हुआ है मैंने. Not a big deal. Absolutely. You know, एक और चीज़ है, because हमारी काफी सारी जो audience है ना, they are young entrepreneurs, ठीक है? So जो आपने शुरू में बात की, ये हम entrepreneurs को बार-बार सिखाते रहते हैं कि look, आपका जो you know you have to quickly go through that cycle of iteration. जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करें. आप फेल करो, जल्दी से कस्टमर्स के साथ टेस्ट आउट करो, नहीं सोल्यूशन उनको पसंद आ रही है ट्वीक करो. उनको आपकी आपकी सोल्यूशन उनको रिक्वायर्ड होनी चाहिए. अगर आपने अपनी कोई यू नो प्रॉब्लम को देखते हुए कोई चीज बना ली है, टू बैड, राइट? कोई भी नहीं खरीदेगा सिवाय आपके, राइट? यू कांट डू दैट ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट रेज किया है, नॉट जस्ट फॉर यू नो पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ, बट ऑल्सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? अच्छा ये मुझे बताएं कि फिर लकी ब्रेक कहाँ से आया? एक तो इंक्रीमेंटल, ये मुझे मालूम है कि एक इंक्रीमेंटल जर्नी भी होगी, राइट? तो वो भी आपसे पूछना चाहूंगी मैं, और ये भी कि लकी ब्रेक आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? आई थिंक देयर आर मेनी टर्निंग पॉइंट्स, देयर इज नो वन स्पेसिफिक चीज. कई दफा मैं सोचता हूँ कि क्या चीज थी. तो आई थिंक देयर आर सम माइलस्टोन्स. आरिफ अलीस जो मेरे करंट कोच हैं, उनके साथ मुलाकात वाज अ मेजर माइलस्टोन. Meeting couple of individuals like मैंने UMT में पढ़ाना शुरू किया, that was a turning point. मैंने MA college में MSc classes start हुई थी psychology की, वो पढ़ाना शुरू की, that was a turning point. And Center for Management Development UMT ने बनाया, जैसे Rousing Alums का, so I was one of the founders of the center, that was a turning point.
फिर आगे बढ़ते रहे तो हर दूसरे चौथे दिन जिंदगी में मेरा कोई टर्निंग पॉइंट आता है। मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो लंदन में जाके वो 6-7 हज़ार लोगों को एड्रेस करना वाज अ टर्निंग पॉइंट, मार्शल गोल्डस्मिथ के साथ काम करना वाज अ टर्निंग पॉइंट, ट्रेनिंग से फोकस हटा के कोचिंग की तरफ आना वाज अ टर्निंग पॉइंट, हर रोज उन चीज़ों को सोचना कि अब मैं क्या हूँ, अपने आप को रीडिफाइन करना और वो ना करने जो आप पहले कर रहे थे वाज अ टर्निंग पॉइंट। आप मर रहे हैं, आपको पैसे चाहिए लेकिन वो जो काम है वो आपकी स्पेशलिटी नहीं है एंड यू रिफ्यूज इट के सॉरी मैं नहीं कर सकता बिकॉज दिस नॉट माई स्पेशलिटी। क्लाइंट कहते नहीं यार तू कर दे कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं तो कराता ही नहीं, आपकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आप करा दे, नहीं मैं नहीं कराऊंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस मैं नहीं कराता, भाई आप तो खुद साइकोलॉजिस्ट आपसे बेहतर कौन कराएगा, मुझे नहीं आती। रिलेशनशिप्स के ऊपर अभी अर्शर सॉरी अर्जश कह रहे थे यू विल नेवर सी मी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। ओके सो ये अपने आप को डिफाइन करना कि आप कौन है और उतना ही इंपॉर्टेंट कि आप कौन नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट से जरूरी है। यप आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हम इस तरह के लम्हात में सोचता हूँ कि पैसे की खातिर तो मैं पहले भी काम नहीं करता था, पैसा बहुत ज्यादा होता था जब किराया भी देना होता था और पैदल भी होता था और रहने की जगह भी नहीं होती थी और दोस्तों के ऊपर जबरदस्ती बोझ बन के बैठा होता था और मेरा ऑफिस नहीं होता था। आई यूज टू ऑपरेट फॉर मैकडोनल्ड्स, सो वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई डिड नॉट हैव एन ऑफिस एंड पीपल यूज। आप लोग तो बड़े लकी ना ये वाली जनरेशन, कैफेज में आप मिल लेंगे और उसके बाद आप एब्सोल्युटली आपको कोवर्किंग स्पेसेस आजकल मजे मजे की बनी हुई है, खर्चा क्यों नहीं होता। हमारे टाइम पे मेरे एक मेंटोर है नॉलेज हिम डॉक्टर नईम मुश्ताक, वो मुझे पहली बार अपने साथ लेके गए तो हम मैकडोनल्ड्स के बाहर थे, लाहौर वाला मैकडोनल्ड्स ये शिमला पहाड़ी के पास है, तो आई न्यू उनके पास भी पैसे नहीं है मेरे पास भी नहीं है, तो कहते चलते मैकडोनल्ड्स। तो मैं वो पेंडू था जो डरता था कि सोचता था कि पैसे ना हो तो प्रहैप्स ये अंदर भी नहीं जाने देंगे। लुक एट माई माइंड सेट, सो आपकी तरह का कॉन्फिडेंट नहीं कि पैसे नहीं भी है बैठ के उठ के आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बहाना कर देंगे आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, इंटरनेट यूज करेंगे उनका। So it's a journey. I always was not like this either. जब मैं छोटी थी तो I was quite shy. I used to be very sensitive. अभी भी कभी कभी होता है. My mom used to be a teacher in my school. उन्होंने पढ़ाते हुए एक दफा मुझे डांट दिया, ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, कुछ कह दिया सबके सामने, तो मेरी तो इतनी मतलब I just started crying in class. ये बहुत ही नॉर्मल बात थी मेरे लिए कि कोई मुझे कुछ कह देगा और टप टप आंसू गिरेंगे और उसके बाद गंदी सी सिसकियां लग जाती थी मुझे, ठीक है, हिचकियां, और फिर वो खत्म नहीं होती थी। ओ माई गॉड, इट्स टेकन फॉर एवर टू गेट ओवर दैट फेज। And shukar hai ki, you know, now I'm still very sensitive. I think I'm very proud of the fact ki I can feel empathy. I think that's really important. Aur jo aap bata rahe hain ki jo aapki journey hai, dekhen jab aap sare logon ke sath kaam karte hain, you can relate to them, right? And that's why maybe you're able to tell them exactly what they need to do. Acha, ek quick yahan pe question aaya hai, theek hai? Ek mashallah mashallah se tareefein to aa rahi hain, theek hai? Wo bhi hum display karte hain. Ek question aaya hai, wo kehte hain ki sir, just I want to know that luck is a part of success or only hard working and effort can make a person successful. Please, आप ये दोहरा दें कि क्या मेहनत करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? This is one of the most frequently asked questions. और ये इस question के पीछे जो intent है वो बड़ा important है। इस question को पूछने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनको ये confirmation चाहिए होती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ luck है, तो मेरा क्या कसूर है? So they want some sort of an escape. So, मैं यहाँ पे बहुत नटशेल क्विकली जवाब देना चाहूंगा कि लक और मेहनत या प्रेपरेशन बोल लें, इनमें से एक चीज आपके बस में है, दूसरी आपके बस में नहीं है। एक को आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, दूसरी को नहीं देख सकते। सो मेरी किस्मत में क्या है मुझे नहीं पता था, राइट? जब मैं चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, मैं अभी अपने इस खूबसूरत ऑफिस में बैठा हूँ, ये मसूद अली खान साहब ने डिजाइन किया है जो one of the finest designers of the country, right? और मैं internet cafes के अंदर से operate करता था, तो मैं बैठ के सोचता कि मेरी किस्मत में तो कभी office, मुझे क्या पता मेरी किस्मत में है कि नहीं। मैं कभी 1 लाख रुपया नहीं कमा, मुझे क्या पता मेरा कभी अपना घर नहीं होगा, मुझे क्या पता मेरे पास उस तरह की गाड़ी नहीं होगी, मैं कभी यूरोप नहीं जाऊँगा, मैं कभी अमरीका नहीं जाऊँगा, मुझे क्या पता था ये मेरी किस्मत में है कि नहीं। मगर एक चीज मुझे पता थी जो मेरे अपने बस में, वो थी मेहनत और प्रेपरेशन। सो मैं लकी हूं कि अभी कल परसों
हे हाउस ने मेरी किताब के लिए मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। मैं इसलिए लकी हूँ, मैं लकी हूँ वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बिकॉज आई रोट द बुक। सो एक लफ्ज में यू बिकम वेरी वेरी लकी इफ यू आर प्रिपेयर्ड, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू वेटिंग फॉर द लक टू कम एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो देन यू आर टू लेट। किस्मत ऐसे आके दरवाजा नॉक नहीं करती, मैं तो ये इतना दरवाजा नॉक करती है वो दरवाजा नॉक नहीं करती, किस्मत आती है दरवाजे पे और जो पहले से दरवाजा खोल के उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होता है ना उसका हाथ पकड़ उसको साथ ले जाती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। इंतजार करने के लिए कभी नॉक करेगी 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 वो बैठे ही रह जाते हैं। लेकिन कोशिश जो दूसरी आपकी बात है ना, मेहनत करनी है और कोशिश करनी है, राइट। और ये पता नहीं थोड़े दिनों पहले मैंने किसी को एग्जांपल दी थी कि सिंपल काम है, आप कभी बोर हो रहे हो या बोर ना भी हो रहे हो तब भी मकड़े को जाके देखें, आप गिरा के देखें उसको, वो हमेशा ऊपर चढ़ता है वापस से, ठीक है, वो कोशिश करता रहता है उसको, और दूसरी दफा भी टाइम वो फिर कोशिश करता है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने कोशिश करनी है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, एंड कहीं ना कहीं वो जो हम नहीं कहते कि देयर इज समथिंग आउट देयर, इफ यू आर मोबिलाइज्ड तो कहीं ना कहीं पूरे ज़र्रात जो यूनिवर्स के हैं वो आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, राइट। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे एटसेट्रा एटसेट्रा, वी से सो मेनी थिंग्स, राइट, दैट आर मोटिवेशनल। बट द अदर पीस जो आपने मेंशन किया था कि कितने सारे फेलियर्स से क्रॉस कर करके आपने ईच टाइम यू पिक्ड योर सेल्फ अप, राइट, आप फिर से खड़े हो, आपने कहा अच्छा अब ये नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेट्स डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप लैंग्वेज में वी से हसल, राइट, तो दैट हसल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अभी आपसे एक और मैं चीज पूछना चाहूंगी, देखें was it after the fact jo impact ki hum baat karte hain, right, did you start off by thinking oh I want to create impact aur ye hua, ya aap kar rahe the aur aise aise karke bas us direction mein nikalte chale gaye ki impact badhta gaya, so what was there a method to the madness? Right, Samar, ek baat badi I feel very humbled sharing with you, I'm not an accidental coach, I'm not an accidental trainer, राइट, अल्लाह ताला की तरफ से आज मैं मुड़के देखूं तो मुझे जहां जहां से उसने गुजारा देयर वर रीजंस बिहाइंड इट। सो वही अली नागी जब हम मिलके एचआर फोरम हमने बनाया लाहौर एचआर फोरम, तो उसमें एक बार उन्होंने वो मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे, कहते हैं अब वही कैसे तरह बात से आप कभी आपने हमारी होटल में इंटरव्यू दिए और यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, आई डोंट फील आई थिंक मुझे बताना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ अपनी अच्छी बातें बताते हैं, जो हम गलतियां करते हैं वो नहीं बताते। तो मैं मुकर गया था, राइट, अली नागी के सामने मैं मुकर गया, ठीक है, व्हाई बिकॉज़ आई वाज शेम्ड कि उसको याद आएगा कि ये तो वही था जिसको मैंने वेटर तक के लिए नहीं रखा था। तो मैंने कहा अवारी होटल नहीं, मैं तो कभी वहां पे जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया बिकॉज़ आई वाज नॉट मैच्योर इनफ, राइट। फिर एक टाइम आया कि वो सारी गलतियां जो मैंने की थी, जो मैं छुपाता था, मैंने वो दुनिया को बतानी शुरू कर दी। तो जो मेरा यूएसपी है एज ए ट्रेनर वो ये है कि मैं अपनी गलतियां बताता हूँ। मेरे कई दोस्त हंसते हैं कि तू अपने फेलियर्स की बातें सुना सुना के पैसे कमाता है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर बाय द वे कपल ऑफ नोट्स आल्सो जो आ रहे हैं, लक फेवर्स द ब्रेव, राइट, हु डेयर्स विंस। So I think there are other people also who agree. Purvez Abbasi, people are, you know, fortune favors the brave. Asad bhi yahi humse keh rahe hain, Asad Shafiq Abbasi. So I think ye jo sari baatein hain, they're resonating. Bas ab ye in sabko wo hai ke bhi karein bhi na, phir koshish karte rahein, theek hai? But very interesting. Ji batai, ji. Samar, ye janna kaafi nahi hai. Jo meri zindagi mein 24 saal success nahi aayi na, wo ye reason kya thi? Baatein mujhe pata thi. बट मैं कर नहीं रहा था। तो जो सबसे ज्यादा दुख होता है ना मुझे और आपको और हमारे जैसे बाकी स्पीकर्स को, हमारी बातें सुन के यूट्यूब चैनल्स देख देख के दुनिया भर का नॉलेज लेके योर लाइफ इज नॉट मूविंग अहेड, व्हाई, बिकॉज़ वी नो टू मच। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट इनफ, नाउ यू गॉट टू गो फॉर पॉजिटिव एक्शन। सो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रूव करता हूँ जो ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 मिनट तक अपना सांस रोक के रखें और या डीप ब्रीदिंग कर ले, रोके नहीं, लंबे गहरे सांस ले, इस दौरान भी यू आर नॉट सपोज टू थिंक ऑफ एनीथिंग बट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, तो चांसेस ये हैं कि शहनाज़ बिन अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। शहनाज़ गुरु है,
मेरी भी गुरु है मेडिटेशन, बस वो अकेले कर पाएंगे, बाकी जो 20,000 लोग सुन रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा 5 मिनट तक आपने अपना हाथ ऐसे रखना है, तो हम इसे हर कोई कर पाएगा। तो साबित ये होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट पॉजिटिव एक्शन पे हमारा कंट्रोल है। और रिसर्च बताती है कि 46.9% ऑफ द टाइम हमें अपनी सोचों पे इख्तियार नहीं होता। अगर किसी को यकीन नहीं है, तो अभी हमें 30 मिनट हो गए बातें करते हुए, तो अगर कोई 30 मिनट से क्या, अगर 5 मिनट से भी हमें सुन रहा है, तो 5 मिनट में उसकी सोचें 500 मरतबा ड्रिफ्ट हुई होगी, कभी इधर कभी इधर, उस घर याद आ रहा है, कभी उसको बीवी याद आ रही है, किसी को अपना दोस्त याद आ रहा है। सो हम फोकस नहीं कर पाते, बट एक्शन पे फोकस हो सकता है। सो जो सुन रहे हैं यार, मतलब अगर आपको पता है कि ब्रेव फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो बन जाए यार ब्रेव। बुजदिल भाभी, तूने क्या पा लिया आज तक? मैं अपने आपसे कहता था, भाग भाग के तूने किया क्या? इस भागने ने कैसा बास तुझे दिया क्या? तू और भागेगा तो रुक जा, एक दफा डट के भी देख ले। सो दिस इज हाउ माय लाइफ चेंज्ड। आज मेरे ये, दिस इज वर्थ शेयरिंग समर, आज मेरे 350 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, मोर देन 30-40 कंपनीज, लेकिन ये 700 हो सकते थे, ये 30 कंट्रीज की बजाय 60 कंट्रीज हो सकते थे। ये क्यों नहीं हुए? बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, राइट? या I was not moving ahead. I was not taking action. मैंने खुद अपने आप को रोका हुआ। जब मैं उस खौफ में से निकल गया, मेरा डर उतर गया, मैंने कहा अच्छा, ये चीज थी जिसकी वजह से मैं रुका हुआ। I think ये जो आप बातें, they're relating a lot, right? Because I think बहुत अरसे पहले तक मैं सोच रही थी कि वो मुझे अपनी enterprise launch करनी चाहिए, but it took all the way till 2017 April, जब मैंने finally I took that plunge, right? वो तब तक नहीं मैंने लिया था। So if you don't take that first step, it's never going to happen. Or worst, I think in a way, some, at least you, mere liye what worked was figuring out ki kya worst case scenario hai. Worst case scenario for me was ki acha mujhe apna business pack up karke dobara se kisi ki naukri karni padegi. To wo to karne aati hai, right? For me it was different. I was a, you know, person who was working, and it was just like acha theek hai, koi baat nahi, pack up karna padega, 9 to 5 karni padegi, okay, right? But that's about it, theek hai. And abhi 3 saal ho gaye hain, and yes, the going gets tough. अभी कोविड का क्राइसिस भी है, देयर मल्टीपल थिंग्स व्हिच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जरा मुझे बताइए कि जाहिर है आपका ट्रेनिंग और कोचिंग का जो काम है, बहुत सारा फेस टू फेस इंटरेक्शंस और जो वन ऑन वन, यू नो, इन पर्सन जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है वर्चुअल एक्सपीरियंस से। तो अब आपने कैसे इवॉल्व किया है? हाउ इज योर पर्सनल बिजनेस टेकिंग अ हिट और नॉट टेकिंग अ हिट? व्हाट्स हैपनिंग? आप कैसे उसके साथ डील कर रहे हैं, ये अगर आप हमें बताएं। सच बताऊं बिकॉज हम अक्सर जब आते हैं तो हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हम ट्रेडर्स कोचेज अगर ऑथेंटिक नहीं है तो वी शुडंट बी इन द बिजनेस। सो द फैक्ट इज वी आर स्ट्रगलिंग, हमें समझ नहीं आ रही क्या करें, राइट? सो हमारा बिजनेस नोज डाइव। एक दिन पहले तक आई वाज समबडी जिसके संडेज भी बुक थे, and I am somebody who charge like premium. So agar koi ek kaam another coach would do in 1 rupees, I might do in 500 rupees. The same thing, ek versus 500 tak ka bhi fark hota hai mere aur baki logon ke kaam mein. And suddenly aapke sare revenue streams band ho gaye. So 14th of March ke baad se ab tak we are trying to recover, but such hai, it is important to share the truth ke hame samajh nahi aa rahi. Hum ek dusre ko kehte hain apne organization mein ki ha aa rahi hai, but andar ka sach ye ki nahi aa rahi, aur dil chahta hai ki wo purane din laut aaye aur wahi ek session karu, million rupees earn karke wapas aa jaun, lekin online program ke ghante ka koi million rupees dene ko taiyar nahi hai. वहां से तो हमें 50,000 में ट्रेनर कर देगा, वो ट्रेनर तो हमें फ्री में देगा। तो हाउएवर मैंने इस टाइम को बहुत अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी टीम्स के लिए बड़ा इफेक्टिवली यूज किया। सो व्हाट आई हैव डन इज हमने ऑनलाइन प्रोग्राम्स डिजाइन किए जो जिंदगी में कभी नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे। लोग कहते ऑनलाइन, तो हम आपको ना हम जरा लोअर ऑर्डर चीज समझते थे ऑनलाइन,
तुमने कहाँ से पढ़ा है गणेश जी? वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर लिया है, ये क्या, ये तो कुछ नहीं होता। नहीं, तो कहाँ से किया है? मैंने जी यूके से किया है, मगर मैंने गए थे नहीं, ऑनलाइन किया। अच्छा, ये मतलब हम थोड़ा गारत की निगाहों से देखने वाले होते हैं आमतौर पर जिसने ऑनलाइन किया। सो हमने ऑनलाइन पे कभी काम नहीं किया, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, राइट, अभी भी नहीं है। एक नाम ने हाथ टीम ने हमें बना के दिया, बट आई नेवर फोकस ऑन दीज थिंग्स। मेरी वेबसाइट अभी आप जाएं तो उसके 20 लिंक्स में से 19 काम ही नहीं करते। जी मैं गई थी ओके, आपके बारे में और पढ़ने के लिए आई वेंट ऑन योर वेबसाइट। जी, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हम इस इंप्रेशन में थे कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो हमारे ऑफिस से इंप्रेस होते हैं ना, वो वेबसाइट के थ्रू आते हैं, बिकॉज हमारा क्लाइंट फर्क है ना। तो माय क्लाइंट वुड कम टू मी, मैं जंगल में, वो उधर आ जाएंगे। दे विल नेवर बी इंप्रेस्ड विद माय कार, दे विल नेवर बी इंप्रेस्ड विद माय क्लोथ्स, दे डू नो आई एम एंड दे गिव मी द प्रीमियम। तो मैंने सोचा ना, वेबसाइट की वजह से बिजनेस आता है। लास्ट हमने 2017 में वेबसाइट अपनी अपडेट की थी, पॉसिबिलिटीज वेबसाइट बताती नहीं है 1% भी उस चीज का जो हम करते हैं। आज मॉर्निंग मेरे एक बहुत ही क्लोज दोस्त हैं शफात हाशमी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ही ऑपरेट्स फ्रॉम दुबई, उनके सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड आई हैव साइंड अ डील विद हिम ओनली टुडे कि हमारी वेबसाइट को आप सही कर दें। ओके, ऑसम, मतलब वेल डन। 2.5-3 महीने लगे ये डिसाइड करने में कि अब हमने क्या करना है। सो बट एट द सेम टाइम आई फिनिश्ड राइटिंग टू बुक्स जो बड़े अच्छे से हुआ। बिल्कुल, इफ एवरी डे तो व्हेन विल यू राइट? सो एट द सेम टाइम हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपना अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किया है। सो हम स्लो थे रिस्पॉन्ड करने में, जितना तेज होना चाहिए नहीं थे। उसकी एक ऑथेंटिक रीजन और भी है, वी थॉट बहुत बिजनेस कर लिया यार, अपनी टीम को सुकून दें। तुमको मैं रोज पूछता था तुम ठीक हो, फॉरगेट अबाउट वर्क, आर यू गुड, आर यू स्केयर्ड, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, अच्छा तुम रेस्ट करो, फॉरगेट अबाउट वर्क। हमने 2-3 दिन सोचा, 10:30-10:30 बजे एक मीटिंग किया करेंगे जूम पे। हमारी आखिरी मीटिंग मेरे ख्याल में कोई 2.5 महीने पहले हुई थी। जी, नो नो, आई थिंक इट्स गुड टू स्टे सेफ, स्पेशली बिकॉज़ अब इतना इट्स राइजिंग। मैं जूम की मीटिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जूम की मीटिंग आपने 2.5 महीने पहले की है लास्ट? हम जूम पर भी मीटिंग्स नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है, इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। कहते हैं 10:30 बजे जूम के सामने आओ। आई सेड यार कोई नहीं आ सकता तो ना आए, तो करते करते हमने अब ये कि कोई काम होता हम फोन कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, बल्कि मैं फोन बिल्कुल नहीं करता, मैसेज करता हूँ अपने टाइम पे जब दिल करे जवाब दे दें। सो हमें कोई कयामत नहीं आ गई, 20 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, आर ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ गुड शेप। तो अगर 3-4 महीने नहीं कमाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सो वी थॉट विल टेक केयर ऑफ आवर पीपल एंड विल स्टैंड ऑन देयर साइड। और इन द मीन टाइम बिजनेस हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। द गुड न्यूज आखिर में ये कि हमारी इन सारी गलतियों के बावजूद अल्लाह ताला हैज बीन वेरी काइंड, आवर क्लाइंट्स आर सो गुड, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग अस फॉर सम सीरियस वर्क। इट्स वर्थ शेयरिंग, शायद कुछ लोग, अभी यासर वहीद मेरे एक दोस्त हैं और कोच हैं हमारे नेटवर्क में, 250 coaches हैं, इज वन ऑफ देम। उनको देख के मुझे ये याद आ गया, यासर ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था कि कोविड के टाइम पे अगर किसी ने कोचिंग लेनी है कैसर अब्बास से तो मैं चार्ज ही नहीं करूंगा, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। सो पीपल आई एम सो एक्सपेंसिव, बट मैंने वो फ्री कर दिया। तकरीबन 1,000 लोगों ने उसमें रजिस्टर किया। तो फिर यासर वहीद की तरह आगे मेरे 37 चीते मेरा हाथ बटाने के लिए आ गए। और फिर हमने अब तक कोई इनमें से 160 लोग निकालने, बाकी सबको हमने कोच कर दिया। बिकॉज़ ये 160 तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे रेफरिंग टू। ये अभी तक चल रही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपकी जो सोशल कोविड का इनिशिएटिव है फ्री कोचिंग वाला, वो अभी चल रहा है? मैं आपको बताऊं, जो मेरे ये यासर वहीद की तरह के मेरे कोचेज हैं, दे चार्ज एवरेज $200 पर सेशन, व्हिच इज पाकिस्तानी कम से कम 30,000 रुपया। एंड फॉर माय फी आई वांट टेल यू, तो हमने ये सब अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज किया और हम बहुत खुश हैं कि हमने ये किया। सो वी थॉट ये पैसे कमाने का वक्त नहीं है, ये लोगों को सर्व करने का टाइम है। अच्छा, अभी आपसे जो है ना एक और चीज़ ये पूछ रहे हैं, somebody is asking
कि व्हाट अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको कैसे ये हल करना चाहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन एक दोस्त है, इट्स अ ब्लेसिंग, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बीमारी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा गिफ्ट है. बिकॉज इसके दो पहलू हैं. पहला, प्रोक्रेस्टिनेटिंग अन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज अ वेरी यूजफुल टैलेंट, इजन इट? या इफ यू नो दैट यू आर ओनली प्रोक्रेस्टिनेटिंग द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. अनइम्पॉर्टेंट, तो ये देखिए कितना बड़ा टैलेंट है कि आप अनइम्पॉर्टेंट चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर दें. जो दूसरी चीज है वो है, व्हेन यू प्रोक्रेस्टिनेट समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, तो समटाइम्स उसमें भी फायदा होता है. फायदा क्या होता है कि जब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं नहीं लिख पाया, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं बना पाया, या आधा छोड़ दिया, तो जब मैं दोबारा जाता हूँ तो मैं जो ब्रेक देता हूँ तो उसकी वजह से बड़े फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, नए आइडियाज़, पूरी उसकी डायरेक्शन ही बदल जाती है. सो प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, और टका के करनी चाहिए अनइम्पॉर्टेंट कामों के लिए. जो इम्पॉर्टेंट काम है उसमें मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज करूँगा कि जिन लोगों के पास कोई रीज़न नहीं होती ना, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. जिनके पास रीजन हो वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते. तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन सिम्टम है, इसका इलाज नहीं है मेरे पास. अच्छा, मेरे पास दवाई इसकी है कि आप अपने पास अपने अंदर झांकिए और पूछिए कि जो चीज़ें जिंदगी में आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो तो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होती. यू नेवर प्रोक्रेस्टिनेट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. I won't like to name plenty of things. मगर जहाँ पे आपके पास रीजन नहीं है वहाँ पे आपको प्रोक्रेस्टिनेट अचानक बीमारी, ये जो सिलेक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये आपकी असल बीमारी. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, सुन लिया होगा उन्होंने, जिन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया था मुकीम में जाके, वो उनको ये उनका अपना सवाल होगा भी नहीं. ठीक है, वो बस सवाल. और अगर इसका बेहतरीन जवाब आ जाएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, समटाइम्स हमें जवाब पता होता है, ये मुझसे ना भी सवाल पूछते तो इनको पता है मेरे और आपके पास रीजन है यहाँ बैठने की, तो हमने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया. आप अनाउंस जब कर देते हैं पूरे वर्ल्ड को, कोई चीजें आप पहले अनाउंस भी कर देते हैं कि ये आपने काम करना है, तो जब आप वो किसी को बता देते हैं फिर देन देयर इज एन एडेड रिस्पांसिबिलिटी कि ये करना है, राइट? तो दैट मे हेल्प. देख लें कोई आपके क्लोज फ्रेंड्स, टीचर्स, यू नो, फैमिली मेंबर्स, इफ यू वांट टू शेयर विद देम कि आपने कोई भी चीज करनी है, देन यू विल फाइंड दैट मे बी यू आर मोर मोटिवेटेड टू डू इट. अच्छा, सईद मुकीम इज आस्किंग हाउ टू जॉइन योर फ्री सेशन एंड व्हाट इज इट्स ड्यूरेशन. ये कोचिंग के हवाले से पूछ रहे हैं. साजिद जो मेरे साथ सेशन है वो इज शेड्यूल फॉर 30 मिनट्स, और मोस्ट ऑफ द सेशंस फिनिश इन 30 मिनट्स, एंड इफ रिक्वायर्ड हम 15 मिनट का दरमियान में मैं गैप रखता हूँ. तो आई नॉर्मली टेक लाइक 3-4 सेशंस अ डे. ठीक है. साजिद, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका सेशन मेरे साथ ही होगा, बिकॉज अब चूंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो अगर सारे सेशंस मैं करना शुरू करता तो शायद मुझे एक साल लग जाता. ये जुहेब बट जो अभी कह रहे हैं 100%, ये भी हमारी पॉसिबिलिटीज टीम का हिस्सा है और इज वन माई गुरुस. ये पेप्सी कोला में है, इनके जो बॉसेज है ना, बॉसेज जो है ना, उनमें भी हिम्मत नहीं थी इस सेंस में कि मेरा प्रोग्राम अटेंड करें. मेरे प्रोग्राम की फी 2.5 लाख रुपये होती है. तो जुहेब ने इनकी, मेरे ख्याल में उस वक्त जब इन्होंने किया तो इनकी तनख्वाह 50-60 हज़ार थी, और मे बी 80 हज़ार होगी. तो इन्होंने मेरी ट्रेनिंग आके अटेंड की, और अब इनके जो बॉसेस हैं ना, उनमें से कईयों को ये कोच करते हैं. ओके ओके, वेरी वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेल डन होती है. सो अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा थोड़ी देर पहले, यू सेड के ट्रेनर और कोच बनना जो था वो डिलिबरेट डिसीजंस थे, ठीक है? तो वो कैसे? काफी दफा ये भी होता है कि समझ नहीं आता कौन सी चीज, यंग पीपल को स्पेशली, कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को पिकअप करना है, कौन सी चीज को हमने नहीं पिकअप करना. तो क्या right. कोई इंटरनल रडार था जिसने कहा कि यस, अब मुझे ट्रेनिंग करनी है, या आप उसको एंजॉय करते थे? व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड यू चूज दैट एंड देन चेंज फ्रॉम ट्रेनर टू कोच? सो बोथ क्वेश्चंस.
अच्छा, वन थिंग आई डिडंट चेंज एनीथिंग, मैं पहले कोच था, उतना अच्छा कोच नहीं था जितना अच्छा आज हूँ, बिकॉज मैं वन टू वन लोगों में फिर भी कंफर्टेबल था, सो पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए मौत थी, आई कुड नॉट इवन डू एंड कुड नॉट इवन थिंक. सो जो लोग मुझे जानते हैं, बिकॉज मैं पिछली सदी में तो पैदा हुआ नहीं था, वैसे हुआ तो पिछली सदी में पैदा था, लेकिन लाइक मेरे जो लोग मुझे जानते हैं 10-15 साल पहले, वो उनको पता है कि मैं क्या होता था और मैं क्या हो गया. इसलिए मैंने कहा था कि सक्सेस का पर्पस, मकसद ये नहीं कि आप बनते क्या है, इट्स द जर्नी, लाइफ में क्या चेंजेस आ जाती हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू इमर्ज इनटू. सो मैं पहले वन टू वन कोचिंग ज्यादा करता था, एज ए सेड करता था जितनी आप करता हूँ. लोग मेरे हॉस्टल में भी आते थे जब मैंने नई एमएससी की थी, और मैं उनके सारे मसले हल करता था. तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि ये वो काम है जिसको करने के लिए दीजिए मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती. पैसा मैं नहीं कमा रहा था, पैसे मैं कमाता था एक मैगजीन में काम करके, तो मुझे वहां से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी जो 1-8 घंटे के सेशन के नतीजे में मिलती थी. सो आई रियलाइज के दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. तो मुझे एहसास हुआ समर के, अगर मैं इसी तरह एक एक बंदे तक जाके उनके जिंदगी के मसले हल करता गया, तो ज्यादा लोगों तक पहुँचने में मुझे बहुत जिंदगी लग जाएगी. तो मुझे उसका एक और सोल्यूशन भी है कि आप ग्रुप में सबको एक ही दफा बता दो. जी. अभी आई वाज जस्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद माय फादर, सो ही सेड व्हाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट योर YouTube चैनल, तुम तो इतने अच्छे से ये कर रही हो सेशंस वगैरह. सो आई सेड लुक, फॉर मी इट्स नाउ अबाउट स्केलिंग अप, राइट? ऐसे एक सेशन में करती हूँ, अगर मैं क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ या जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इट्स 30 पीपल, समटाइम्स इट्स 300 पीपल, बट दिस वे मे बी विद टाइम एंड इट्स रिकॉर्डेड, राइट? सो इट्स देयर, किसी ने किसी वक्त जब भी देखना है, यू कैन ऑलवेज रिफर देम बैक टू इट. अच्छा, ये वाला सेशन कैसर के साथ किया था, व्हाई डोंट यू गो एंड लिसन टू हिम अबाउट हिज जर्नी, राइट? देयर आर टिप्स देयर. अच्छा, शायान कह रहे हैं कि यू आर हिज मेंटोर, सो दैट्स ग्रेट. एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट सलमान इज आस्किंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम पब्लिक स्पीकर इन बिकमिंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर? राइट, यार इसका कोई आसान जवाब नहीं है. इट डिपेंड्स कि आप इस वक्त कहां, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप कहां हैं और आपका अगला कदम क्या होगा. तो सबसे पहले तो ये है कि समर हम सबको लगता है कि मुझे ये करना है, तो लगना काफ़ी नहीं है. मैं इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ. सो यू आई सॉ अ फिल्म स्टार, तो मैंने कहा मुझे लगता है मैं भी फिल्म स्टार बन सकता हूँ, बिकॉज उसकी लाइफ मुझे बड़ा फैसिनेट करती है. मैंने आर्मी का एक बंदा देखा तो मुझे लगा मैं आर्मी में चला जाऊँ. सो ये हम सबके साथ होता है कि एक चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, वी जस्ट वॉन्ट टू बिकम जस्ट लाइक दैम. थोड़ा डीपर जाने की जरूरत होती है, और उसमें दो क्वेश्चन है. मैंने एवन डेविस की किताब पढ़ी थी, उसमें वो दो क्वेश्चन करती है. पहला क्वेश्चन ये कि अगर आपको पैसे की फिक्र ना हो तो वॉट वुड यू लाइक टू डू विद योर लाइफ. अभी हम सब अक्सर फैसले जो करते हैं अपने करियर के, वो ये सोच के करते हैं इसमें स्कोप कितना है. तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर और कोच भी बनने से पहले देखें इसमें स्कोप कितना है, इसमें पैसे कितने हैं. तो ऑनेस्टली जब मैं बना तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इसमें इतने पैसे होंगे. बट सलीम भाभी, तायरा आजम इज माय भाभी एंड शी इज माय इंस्पिरेशन बचपन से बड़े होने तक. बचपन तो नहीं, मतलब बाय व्हेन शी बिकेम पार्ट ऑफ आर फैमिली, तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. सो आई एम ऑनर्ड टू सी हर कमेंट, थैंक यू सो मच. सो मैं इमोशनल हो गया. क्वेश्चन ये है कि ये जो फैसिनेशन इंस्टेंटली हो जाती है, उसकी रीज़न क्या है? सो मैंने देखा एहसन खान को, तो मैंने कहा यार सुपरस्टार क्या लाइफ है, तो मैं भी बन जाता हूँ एक्टर. अगले दिन मैंने आतिफ असलम को देखा, तो मैं सिंगर बन जाता हूँ. सो मैं प्लीज अपनी आवाज का दूसरों के कानों का ख्याल रखें. नॉट एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू बी अ सिंगर. एब्सोल्युटली. सो आपने देखना है कि अगर आपको पैसे की परवाह नहीं है तो क्या फिर भी आप ये करेंगे, वन. और उसके भी बाद एक और जबरदस्त क्वेश्चन एवन डेविस ने किया था, उसने मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया. ये था कि अगर आपको अपनी इमेज की परवाह भी ना हो तो वुड यू स्टिल गो है? समटाइम्स समबडी वुड हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको पैसे का इशू नहीं है, बट वो उससे मजबी गिराने में और सिंगिंग करना चाहते हैं, तो जी इमेज का मसला है नहीं क्या. तो अगर इमेज का भी इशू ना हो और कोई ये कहने वाला ना हो कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वुड यू स्टिल गो हेड? तो आजम भाई भी काफी ब्रदर हैं और अर्जेश के फादर हैं, उन्होंने भी कह दिया ठीक है. सो दैट्स ऑसम, माशाल्लाह माशाल्लाह.
कि यू गॉट द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली. ये मुझे तो टाइल बांधी आती थी, ये मुझे ना टाइल लगा के अपने दराज से निकाल के ना मुझे देते थे, और मैं इनके ऑफिस जाता था तो इतनी बड़ी इनके ऑफिस की टेबल होती थी, और मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि किसी बंदे का अपना जाती इतना बड़ा ऑफिस हो सकता है. और फिर कि मुझे पैसे देते थे कि जाओ खाना लेके आओ, और मैं अकेला नहीं होता था, पूरा फरुखाबाद ही उधर होता था, ये सबको खाना खिलाते थे. सो मेरे ऑफिस में कोई भी है मैं उनको खाना खिलाए बगैर ही जाने देता, ये मैंने इनसे सीखा. अच्छा, इसी के साथ ना कुछ मैंने एक और सवाल आपसे मालूम करना था कि आपकी सबसे तीन जो सबसे बड़ी खूबियां हैं वो क्या हैं, व्हाट आर योर टॉप थ्री क्वालिटीज. ये आपको सबसे पहले पूछना चाहिए था. जी जी मुझे पता है, मैं फिर वो तीन पे रिस्ट्रिक्ट ना कर पाती, इसलिए मैंने देर से पूछा है. अच्छा, मैंने ना कई दफा ये सवाल किया जाता है, लोग पूछते हैं कि क्या क्वालिटीज हैं. सो वन वुड लाइक टू थिंक ये मेरी क्वालिटी है, बट देन आपकी जो आपकी ईगो है वो कहना चाहती है कि हाँ ये मेरी क्वालिटी है. बट अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है तो आप सोचते हैं कि नहीं यार ये कहाँ की खूबी है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी. सो आई वुड लव टू से मैं बड़ा क्रिएटिव हूँ, आई लव, मैं सोचने लगा था कि मैं बड़ा हार्ड वर्कर हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, तो शायद ये मेरी खूबी है. तो ये मेहनत करने की ताकत किसने दी है और क्या जो मुझे मिला है जिंदगी में वो मेरी मेहनत की वजह से? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. सो मेरा वो कला का बेटा जो एक जनरेटर को पेंट करता है कड़कती धूप में सारा दिन खड़ा हो गया किसी बस अड्डे के ऊपर, वो ज़्यादा मेहनत करता है या मैं? और उसको महीने का 15,000 मिलता है और मुझे घंटों के लाखों मिल जाते हैं. सो अल्लाह ताला कभी ना निकलवाए ये बात कि जी मुझ में खूबी है और मैं मेरी वजह से, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ नॉट बिकॉज मैं ये हूँ तो मैं वो. एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट टू इम्प्रेस एनीवन, आई ट्रूली बिलीव इन इट. मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल बासलाहियत लोग जिनकी कम्युनिकेशन मुझसे अच्छी, जिनकी डिग्रीज मुझसे अच्छी हैं, जिनका सब कुछ, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ऑनेस्ट. I get to meet these people and they're not where they should have been. और मैं कहाँ, मानियावाला में पैदा हो गए, फरुखाबाद में आ गए, वहाँ से निकल के लाहौर जैसे शहर में बेसर मानी और कोई पूछने वाला नहीं, और उसके बाद get to do the things that you do today. पीछे मुड़ के देखें कभी यकीन ही नहीं आता, लगता है किसी और की कहानी है. I'm going to pop up. So Tahira Azam जो आपकी भाभी है वो मुझे भी कह रही है ठीक है कि I'm doing awesome. Thank you so much. अच्छा जी हम अच्छा अब चले आपने क्वालिटीज का तो आपने ये बताया विच इज़ वेरी ट्रू राइट कि हम एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी खूबियाँ अल्लामिया की तरफ से ही आती हैं एंड इट्स इज़ व्हाट वी डू विद देम राइट. सो दो सवाल यहाँ से निकल रहे हैं, एक तो ये कि मुझे फिर अपनी तीन सबसे खराबियाँ बता दें हमारी ऑडियंस को भी ठीक है, कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक ये. और दूसरा आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने जाहिर है जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इंसान के ऊपर, अल्लामिया बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब देता है सो ऑब्वियसली देन you know jab aap famous ho rahe ho, jab aap successful ho rahe ho, so obviously you have to give back as well. So I would also like to discuss the school that you have, your multiple schools that you've got, so uska thoda sa hame batayega theek hai. Bhai pehle zara kharabiyan chale, pehle kharabiyan aur school se aapki kya murad hai? School ki aap jo possibilities jo school hai, there's educational work right. that you're also doing right, so wo aap thoda sa highlight kare. Ek main apni personal life mein bilkul responsible nahi hu. तो मैं बहुत गैदरिंगदार इंसान हूँ, मेरी बीवी से आप पूछेंगे तो आपको मेरी मेरे वाकयात बताएगी. मैं जाती दुनिया में बहुत सुस्त इंसान हूँ, मैंने रात को 3 बजे अगर मुझे प्यास लगेगी तो पानी का ग्लास मैं अपनी साइड से नहीं पीता, अपनी वाइफ को कहता हूँ मुझे पानी दे. तो मैं समटाइम्स मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, ये मेरी एक खराबी है. सो मैं अपने उस परफेक्शनिज्म की वजह से समटाइम्स आई लूज अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है कि मैं बेस्ट नहीं कर सकता तो मैं करूँगा ही नहीं. सो मेरी एवरेज से मैं किताबें लिखता हूँ, 4 साल के बाद मैं एक किताब लिखता हूँ. तो अभी मैंने अपनी इस हैबिट को ओवरकम करने की कोशिश की है, मैंने टिक टिक डॉलर जो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बेस्ट सेलर भी बन गई, मैंने 29 times लिखी थी, लिखता था तो फाड़ दे. और मुझे अच्छा लगा, पिछले दिनों मैंने गालिब के बारे में पढ़ा
उसमें था कि उन्होंने अपना दीवान फाड़ दिया था खुद। आजम भाई कर सकते हैं कि वाकई ये सच है, तो मैं भी फाड़ देता यार जो दुनिया तक मेरी बात जो है वो परफेक्ट हो। फिर मुझे किसने सिखाया इस तरह तो तुम्हारी कभी कोई बात पहुंचेगी नहीं। सो ये बिल्कुल खूबी है। और दूसरा, मैं स्ट्रगल करता हूँ टीम बिल्ड करने में। दो आई टीच टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस को मैं जाके सिखाता हूँ कि टीम कैसे बनानी है, और पॉसिबिलिटीज में हर दूसरे तीसरे साल मुझे अपनी टीम बिल्ड करने में मसला दरपेश होता है। व्हाट तो डू यू थिंक लेकिन द रीजन फॉर दैट? आपको क्या उसकी एक पॉजिटिव साइड ये है कि जो लोग हमारे साथ थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं ना, उनके अंदर हम जिस एनवायरनमेंट में हैं उसकी वजह से ही ऐसी आग लग जाती है कि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ऊंचा उड़ना है, बहुत ऊंचा जाना है। तो उस वजह से देन दे स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, वेरी गुड, एंड या जब वो जाते हैं तो फिर जाहिर है यहाँ पे उनकी दोस्तियां हुई होती हैं लेफ्ट राइट सारे कुलीग्स के साथ, तो फिर सब लोग आपस में टीम अप करते हैं और इस तरह की हमारी मैं बनाता हूँ तिनका तिनका जोड़ के। उसके बाद हमारी टीमें जो है वो जाहिर है इन सर्च ऑफ अ ग्रेट फ्यूचर। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये वीकनेस नहीं है। अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिव में सोचूँ तो मुझे लगता है ये भी मेरी स्ट्रेंथ है अलग ही तरफ से, कि लोग यहाँ पे आके उनके अंदर इतना हौसला और इतनी हिम्मत आ जाती है कि उनको लगता है कि वो अकेले उठ सकते हैं। और जो अच्छी बात है कि हमारे वो तमाम लोग जो हमारे साथ नहीं भी रहते वो दिल में रहते हैं, उनके साथ दोस्तियां रहती हैं, वो फैमिली का हिस्सा है। सो पॉसिबिलिटीज ने अपने मेरे ख्याल में 90% स्टाफ को रीहायर भी किया है। ग्रेट, सो एक्सेलेंट, माशाल्लाह, जो 10% है उसने कभी कंपटीशन को ज्वाइन नहीं किया। सो नेवर एवर इन द लास्ट 15 ईयर्स हमारी टीम में से कोई बंदा हमें छोड़ के हमारे कॉम्पिटिशन में गया, एक दफा भी। और हमारे क्लाइंट हमारे लोगों को जितना हम देते हैं तनख्वाह उसे 10-10 गुना ज़्यादा ऑफर करके देखते हैं मगर लोग नहीं छोड़ के जाते। सो ये सो मिक्स, ये कमजोरियां भी नो हैं। एविडेंट नहीं, बट एविडेंटली आप यकीनन कुछ अच्छा कर रहे हैं कि वहां से एक लॉयल्टी जो है वो बिल्ड हो रही है. और दूसरा जो आपका पॉइंट है, ऑफ कोर्स हर किसी ने ग्रो करना है, हर किसी ने बढ़ना है, आगे बढ़ निकलना है, राइट? सो किसी को हम रोक नहीं सकते और ना हमें रुकना चाहिए, राइट? स्पेशली आप तो कभी भी, जिस तरह आपकी नेचर है, वो तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे. अच्छा, फहद भी यही कह रहे हैं. फहद देखें, वो कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि आई लाइक द वे यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नो योर स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम एक्नॉलेज करें कि ये तमाम चीजें अल्लामिया की तरफ से हमें दी गई हैं. अर्जिश पूछ रहे हैं कि ये जरा बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस इन योर लाइफ जर्नी? यार ये जो परसिस्टेंस वाले लोग हैं ना, इनमें से किसी को नहीं पता कि मैंने गिव अप कितनी दफा किया है। क्योंकि समर आई चोज टू बी ऑथेंटिक विद यू, राइट? एब्सोल्युटली, बिकॉज या हम जो स्पीकर्स ट्रेनर्स हैं हम एक अच्छा इमेज दे सकते हैं, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मेरी तो जिंदगी ओपन किताब है, और मुझे लगता है कि परसिस्टेंस लोगों को दिखती है। लेकिन बड़े भाई ने कहा है तू लॉर की कर रहे हैं भाईजान, नौकरी नहीं है फिलहाल, चल दफा हो जा फरुखाबाद। तो हम फरुखाबाद चले गए। जब लड़ सकते थे तो लड़े, तो ताने भी पड़ते थे, तू करना किए थे आवारा कर दी। सो एक महीने 5,000 कमा लिया तो उसमें से 4,500 उठा के घर भेज दिया, तो 500 में आप गुजारा करें लाहौर जैसे शहर में, ना पेट में खाना है ना रहने की जगह है। तो अगले महीने 5,000 का भी काम नहीं मिला, तो फिर फैमिली सोचती थी कि अच्छा पिछले महीने तो इसने दिया था इतना, तो इस बार तो कुछ भी नहीं दिया। तो समटाइम्स लोग आपकी फैमिली में आपको कहते हैं अच्छा इसने जाया कर दिए होंगे, दोस्तों को खिला दिया होगा, हर तरह के ताने सुनते हैं। एंड यू गिव अप, आई हैव गिवन अप सो मेनी टाइम्स। लेट मी रिपीट समर, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, मैंने जिंदगी में बहुत दफा गिव अप किया। मैं यहां तक पहुंचा इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर बार तौफीक दी कि वापस, चूंकि चारा ही कोई नहीं था ना यार वापस आए बगैर, उधर फरुखाबाद में था क्या, राइट? माय सक्सेस, व्हाट एवर सक्सेस अल्लाह ताला गेव मी इन लाइफ इज बिकॉज ही गेव मी दी करेज टू कम बैक एंड रीस्टार्ट। सो देयर टाइम सब कुछ खत्म हो जाता था, लाइक एक टाइम में तीन तीन यूनिवर्सिटी मेरे पास डील्स हैं। तो मैं इकरा भी पढ़ा रहा हूँ, मैं यूनिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं
एनसीबीए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एलएसी पढ़ा रहा हूँ, और मैं कैलकुलेट करता था 60,000 वहाँ से, 36,000 वहाँ से, तो मैं अपने घर में जाके ऐलान करता था, भाईजान अब आपकी आज से सारी परेशानियाँ ख़त्म। और 3 दिन के अंदर एक एक करके सारी मेरी डील्स ख़त्म। तो ट्रेनिंग के बिजनेस में भी ये होता है कि आप बुक हो गए, आपको इतने मिलियन मिल रहा है तो आप बड़े खुश हैं, अचानक वो कहते हैं जी हमारा वो प्लांट पे एक्सीडेंट हो गया है तो वो ट्रेनिंग अब ना नहीं कर रहे। पढ़ते भी नहीं है इन स्कूल एंड स्टफ, पॉकेट मनी कभी कभी मिलती थी बचपन में, सो वी लर्न हाउ टू मैनेज दैट मनी एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आई एम श्योर काफी सारे जो लोग हैं वो कोचेज भी हैं जो देख रहे हैं, प्लस ट्रेनर्स हैं हमारे अपने फोल्ड में भी, यंग ट्रेनर्स भी हैं, कि आप जाहिर है जब कोचिंग और ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट, बिकॉज यू हैव टू ट्रांसफर दैट एनर्जी। सो हाउ डू यू सस्टेन योरसेल्फ? आप कुछ स्ट्रेटजीज शेयर कर सकते हैं विद पीपल, आप क्या करते हैं पर्सनली टू या जो एनर्जी है ना वो आती है आपको अपने पर्पस से, राइट? देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन मोस्टली, नॉट समटाइम्स, आई एम मोस्टली स्लीपलेस, ट्रैवलिंग, फ्लाइट्स डिलेड और मिस, और अपने जर्नी है कराची से सखर, तो कराची वाली फ्लाइट मिस हो गई, फिर सखर से कराची नहीं मिल रही और पता नहीं, एंड नेक्स्ट डे दुनिया इधर किधर हो जाए, यू हैव टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस एंड यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक, एंड देयर आर डेज व्हेन यू हैव इमोशनल ट्रॉमास इन योर ओन लाइफ। एब्सोल्युटली, या इस्लामाबाद में था, आजम मलिक साहब मेरी उस ट्रेनिंग में आए थे, रात को 2 बजे मुझे कॉल आई, one of my dearest khala's daughter cousin, she passed away. अब कई साल में ट्रेनिंग करेंगे, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जब आपको किसी मिशन में डालता है फिर आपको ताकत दे देता है। तो आई डिराइव एनर्जी फ्रॉम माई मिशन, मैं खड़ा क्यों हूँ, वाई एम आई हेयर, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ 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 से गुजार के आज उठा गए, सो से टेलीनॉर के टॉप एग्जीक्यूटिव के सामने इसने आगे खड़ा किया, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। No, I can focus on my weaknesses and I can focus on my unwellness. I can focus on my own traumas, or I can focus on the purpose. Yeah. So when you focus on the purpose, aapko energy khud ba khud mil jati hai. Apart from it, I derive a lot of energy from reading. Main mar bhi raha hu, mujhe padhne mein maza aata hai. Meri biwi mujhe kamre mein baith karke lighten band karke jati hai ki ab aapne rest karna hai aur ab aapne मेरी किताबें उठा उठो के सब गायब करेगी, मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं मुझे एनर्जी नहीं आएगी। क्या पढ़ूं मैं? आई रीड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, ऑब्वियसली मोस्टली मैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ता हूं, बट मैं हर कुछ पढ़ता हूं, और रात को सोने से पहले जब तक मैं अपने कानों में हेडफोन नहीं लगाता और उसके ऊपर कोई ऑडियो बुक नहीं लगाता मैं सो नहीं सकता। अच्छा, ओके। तो ये मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, कि कुछ आप बुक्स की रेकमेंड, आप कौन सी बुक्स रेकमेंड करेंगे जो आपकी टॉप फेवरेट्स हों, 3, 5, व्हाटएवर यू वुड लाइक? राइट, मेरी बहुत सारी किताबें फेवरेट हैं। कुछ लोग जिनको नौकरी लेनी है उनको ये किताब पढ़नी है, मेरे दोस्त हैं नुमान, ठीक है, स्टैंड आउट एट द वर्क, एट द वर्क प्लेस, नुमान मलिक, इनकी एक किताब पहले आई थी, लैंड योर ड्रीम जॉब, लैंड योर ड्रीम जॉब, so that is a great book for the entrepreneurs. entrepreneurs को मैं suggest करूँगा वो Richard Branson को ज़रूर पढ़ें। अच्छा, okay, हाँ, उनकी किताबें जो है वो particularly किस तरह उस बंदे ने अपना एक magazine चलाता था और वहाँ से he built his empire, it's a very fascinating journey. option B एक किताब आई है अभी, अभी खैर इतनी ताज़ा तो नहीं, 2 साल पहले आई थी, Facebook की जो chief operating officer है शेरिल, उसकी किताब है फैंटास्टिक बुक, वो मस्ट रीड है। अभी मैं टीम्स के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था, कल्चर कोड, अपने फ्यूचर में जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ कल्चर। यूथ को एक डॉक्टर विन डायर की किताब थी, योर एरोनियस जोन्स, पुरानी किताब है, 20-25 साल, मस्ट रीड। मैंने एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर एलन बाग की, वेकअप कॉल्स, उसने मेरी जिंदगी को झंझोर दिया था, that changed my perspective, that is a must read book. Robin Sharma ki kitab hath lage,
मस्ट रीड, हमने कुछ ही की किताब ना, मतलब आप पढ़ने वाले बन जाएं, सो हमने बुक्स भी पूछ ली हैं अब। अच्छा एक एक दो और सवाल हैं, अगर आपके पास टाइम है तो हम ये लेंगे, वरना आई नो कि फिनिश इन 5 मिनट्स। सो वन ऑफ द जेंटलमैन इज आस्किंग हाउ डिफिकल्ट इज इट टू चूज योर ओन करियर लाइक यू डिड फैमिली इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट योर सराउंडिंग्स बिलीव ऑन, एंड देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच दिस जेंटलमैन इज आस्किंग, so how can we build such organizational culture which gives us loyal employees as a result? As you said, our team members never leave after working with us. ठीक है, so team related question भी आया हुआ है जी। right, मैं किस सवाल का पहले जवाब दूँ? टीम से शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में टीम के साथ ना you need to be very authentic। जब आप असल में कुछ और होते हैं और आपके लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो आपकी टीम है ना वो आप इतना ऑब्जर्व करती है कि जब आप बाहर निकलते हैं आपके एक्सप्रेशन देख के वो अंदाजा लगाते हैं कि आप किस मूड में, बल्कि आपके कमरे से बाहर जाता है उसके एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाते हैं कि आपका मूड क्या है। आप मीटिंग करते हुए किसको देखते हैं और किसकी तरफ नहीं देखते हैं, और किसकी तरफ देखते हुए कोई खास बात करते हैं, पीपल टेक मीनिंग आउट ऑफ इट। सो हम जो लीडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग, हम हमेशा लाइमलाइट में होते हैं, वो वाली लाइमलाइट नहीं शोहरत वाली, बट ये लाइमलाइट के लोग हमें देख रहे हैं। सो लीडरशिप पंच लाइन में बता देता हूँ जो मैं अक्सर बताता हूँ, लीडरशिप इज नॉट टॉट, leadership is caught. Okay. So you actually get caught red-handed exhibiting leadership. अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो भी आप तो पकड़े जाएंगे. So if you're authentic, if you genuinely take interest in the welfare of your people, because leadership एक responsibility है. जब आप leader बनते हैं उस वक्त आप ये फैसला करते हैं कि you are going to sacrifice your own self for the benefit of others. That's why they follow you. So leadership is putting yourself later and putting your people first. मगर हम organizations में ये रोना है हमारा कि leaders जो हैं वो अपने आप को पहले रखते हैं। अभी नौकरियां जाएंगी तो पहले नीचे वालों की जाएंगी, टॉप वालों की तो नहीं जाएंगे। So अब आते हैं करियर की तरफ। So जो जब आप अपना करियर चूज कर रहे हैं तो अब देखो, अगर मेरी तरह का एक पेंडू इंसान जिसको बात करनी नहीं आती, कॉन्फिडेंट नहीं, अगर वो अपने लिए खड़ा हो सकता है तो क्या मसला है? और मैं तो बहुत 20 साल पहले खड़ा हुआ था, और आजम भाई को पता है मेरे भाई कैसे, उनके सामने खड़े होना कितना मुश्किल था। राइट, उनको ये कहना कि मैंने CSS नहीं करना मुश्किल था। फिर उनके प्रेशर में मैंने PCS किया एंड 3 दफा फेल हुआ तो डांट पड़ती थी, फिर एक दफा किया और टॉप भी कर दिया। PCS में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया, और फिर जब मैंने नौकरी छोड़ी तो ये डर के बड़े भाईजान के सामने क्या मुंह लेके जाना है, बट आज वो फसल के साथ मेरे ऑफिस आते हैं और बड़े खुश होते हैं। सो यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ऐसी की तैसी, मतलब जिंदगी आपने ये इसको नेगेटिव सेंस में बड़ा लेते हैं जी, मेरी जिंदगी तो आजकल मूवीज भी आती है कि माँ बाप की बेइज्जती करना, खुदा ना खास्ता उनके सामने बोलना और उनको अपने से हकीर समझना भी बड़ा फैशन बना हुआ है। तो जी मेरे बात क्या पता, सो आई टोटली डिस्करेज दैट। एट द सेम टाइम सारे अब वो 3 इडियट्स देखने के बाद जी मेरा वो पैशन है, पहले चेक तो कर लो तेरा पैशन है क्या, वो फैड है पैशन नहीं है, 2 दिन में वो पैशन खत्म हो जाता है जी। एंड आर यू टू पे द प्राइस फॉर योर पैशन, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Absolutely. Look, pursuing your passion is not the easiest thing to do. जो pursue कर रहा होता है passion, उसको जाहिर है अगर वाकई में उसका वो passion है और वाकई में वो उस passion से committed है, अगर वो true है अपने passion की तरफ, फिर तो उसको बहुत मजा आएगा। मुश्किल वक्त के अंदर भी वो कोई ना कोई silver lining निकाल लेगा। लेकिन अगर आप किसी और की देखा देखी कर रहे हैं कोई भी चीज, ठीक है आप कोच बन रहे हैं जस्ट बिकॉज कैसर ने बताया कि there is a lot of money in it, then you're never going to be authentic to the purpose. जो आप बात कर रहे थे वो आपके अंदर वो energy, वो आपके अंदर वो जिद्दोजहद करने का की spirit वो missing होगी, right? So Kaiser, finally I would just like to ask you to leave our audience behind with a message. क्या आप message छोड़ना चाहेंगे हमारी audience के पास? देखे जो success है उसकी definition समझना बहुत जरूरी है, और मैं चाहूँगा कि आप डिफाइन कर लें अगर सक्सेस को आपकी नज़र में वो क्या है, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तो टू मी सक्सेस इज चूजिंग अ पाथ, और उस पाथ के ऊपर आपने अपने जर्नी को स्टार्ट करना है,
you pursue that path, and in pursuing that path, you focus on becoming a person that you only dreamt once. और इस process, इस path को जिसको आपने choose किया, आपने इसको अपनी खातिर choose नहीं किया. इस path को आपने choose किया because this path is bigger than you. This path is larger than life. So अगर आप किसी ऐसे मकसद का खुद को हिस्सा बना लेते हैं जिसके सामने आपकी ज़ात बहुत छोटी है और वो मकसद बहुत बड़ा है, उस मकसद को पूरा करने में आपकी ज़िंदगी लगा देते हैं. और ये मकसद इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि ये मकसद उसके यानी अल्लाह ताला के बनाए किसी उसूल, किसी कायदे, किसी ज़ाबते के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए. तो जब आप इस मकसद पे चल पड़ते हैं और इस सफ़र के दौरान में अगर आप पहले कदम पे ही इस दुनिया से चले जाते हैं तो यू लीव एज अ सक्सेसफुल पर्सन. और मुझे लगता है कि पर्पस और मकसद होता ही वो है जिस तक आप कभी पहुंच नहीं पाते. जब आप उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है वो भाई गॉड अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया. सो सक्सेस टू मी इज कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस के ऊपर एक ऐसे मिशन की जस्तजू करना है जो आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ टाइम से और आपकी बॉडी के साइज से बहुत बड़ा है. आपने इसको परसू करना है और उसको परसू करते हुए उस परवरदिगार की खुशनुदी को अपना मकसद रखना है. सो इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, टू मी यू आर अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन. समर थैंक यू सो मच जी, आई एम बैक. थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली रियली इंस्पायरिंग. आई थिंक हम सब ने बहुत कुछ सीखा. और जो आप कह रहे थे मेरी पर्सनल जर्नी के अंदर भी, यस आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर माई फर्स्ट गेस्ट. And let's see, maybe ek saal ke baad dobara se, or maybe a few months later, who knows, we'll have you back, inshallah ta'ala, to talk some more. I think it was really insightful. Thank you so much for being authentic. Aapne itni sari cheeze humse sachi sachi batayi, you know, bahut sare log, like you said, nahi batate. So thank you once again for being with me today. And, you know, we'll keep you posted, inshallah, how this goes. Thank you so much. And you've been fabulous. Your energy was contagious. Okay. So thank you. For this program. Thank you so much. And this program is going to become very successful. Or jab aap aur zyada successful ho jayenge, to fir aap support karenge. I'm just kidding. Thank you, Kesar. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, Arzish. Thank you for yes, having thank me. Yes, thank you, Arzish. All right. Thank you very, very much. So, अभी मैंने अपने वंडरफुल गेस्ट को, जो कि इंतहाई इंस्पायरिंग जेंटलमैन है, और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बार बार ही इज सो कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट दिस होल पर्पस, दिस होल मिशन, दिस होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग टू हिम फ्रॉम अलामिया. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रियलाइज. अच्छा, वेरी क्विकली, यू नो, यूट्यूब का चैनल, आई थिंक इट टेक्स अ डे, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स लाइव येट, लेकिन इट इज समर हसन ऑफिशियल YouTube के ऊपर. एंड ऑल्सो ये वाला नीचे जो लिखा हुआ है वो ट्विटर का है. माई कॉलीग इज टेलिंग मी दैट ही हैज डिजाइंड ए क्लोजिंग वीडियो. आज हम पूरे दिन वो क्लोजिंग वीडियो कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है, मतलब वी वर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट, इससे बना लें, उससे बना लें. हमजा, दिस बॉय इन माई टीम, उसको भी बहुत लास्ट मिनट पे कहा था. वी बेसिकली डिसाइडेड ऑन सैटरडे कि ये हम आज करने लगे हैं, ठीक है, सैटरडे संडे को. सो आई थिंक असद वॉन्ट्स टू यू नो प्ले इट. असद, यू हैव, यू कैन डू दैट. In the meantime, what I'm going to do is just to reiterate, sahi hai ki hum karna kya cha rahe hain in impacting lives, because obviously feedback is important, but also jo bahut zaruri hoga ki agar aapki nazar mein koi aise impactful log hain, khawateen, bacche, you know, young people, old people, jinko aap chahte hain ki sune aur unki journey ke bare mein hame aur pata chale ki how they've navigated through life to get to where they are, I think that's the purpose. बिकॉज मैं टाइम एंड अगेन यंग लोगों से मुलाकात होती है, कभी स्टूडेंट्स के फॉर्म में, कभी एंटरप्रेन्योर्स के फॉर्म में, एंड बार बार ये जिक्र निकलता है कि दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट कॉजेज दैट परहैप्स बहुत सारे और लोग हैं जिनको समझ नहीं आती, या वो उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते, या कल्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट दे आर रियली रियली पैशनेट अबाउट सर्टन थिंग्स, अबाउट गिविंग बैक टू सोसाइटी. सो दिस पर्टिकुलर सीरीज ये इसलिए है ताकि हम उन लोगों से बात करें जिन्होंने वाकई में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया है, and how they have actually ended up doing that. So ek aur cheez jo kaise ki bahut hi mashallah mujhe achhi lagi ki kafi dafa kya hota hai, jaise jaise power grow karta hai, bahut sare